Hi, my dear kids, good morning. Hope you all are keeping well and good. कल अपन एक्सरसाइज नंबर 3 तक कंप्लीट किया था और आज अपन 4 और 5 करेंगे. आई होप यू ऑल माइट हैव कंप्लीटेड 3 एक्सरसाइज एंड अपडेटेड इन योर नोटबुक्स. नाउ लेट अस स्टार्ट. एक्सरसाइज नंबर 4. Okay, a pair of opposite words is given in the bracket against each of the sentences below. Choose the suitable word and fill in the blanks. है ना, जो एक सेंटेंस दे रखा है उसमें आपको ऑपोजिट्स का दो ऑप्शन दे रखा है इस तरह, राइट? उनमें से सेंटेंस पढ़ के उसमें कौन सा वर्ड सूटेबल है. अभी तक क्या किया था, जो वर्ड्स अपन को दिया था उसका ऑपोजिट लिखना था, राइट? अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस पढ़ के इसका मीनिंग समझकर उसमें कौन सा वर्ड सूटेबल होना चाहिए वो लिखना है, राइट? आई होप मेरे मदद के बिना आप लोग करेंगे, राइट? इतना छोटा छोटा सेंटेंस का मीनिंग आप लोगों को मालूम ही है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन डैश स्टमक. प्राणायाम should be done on an dash stomach. प्राणायाम अपन कैसे स्टमक में करना चाहिए? दो ऑप्शन दे रखा है, एम्प्टी और फुल. एम्प्टी मीन्स, एम्प्टी का मतलब क्या है, खाली, और फुल मीन्स भरा हुआ, है ना? तो प्राणायाम अपन किस पेट पे करना चाहिए, भूखा पेट करना चाहिए या खाना वाना खाने के बाद करना चाहिए? कौन सा सही आंसर है? प्राणायाम भूखा पेट करना चाहिए, तो आंसर इज एम्प्टी. तो इधर आपको लिखना है एम्प्टी. लिखोगे नोटबुक, इसमें टेक्स्ट बुक में भी करना और फिर नोटबुक में उतारना. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. इधर फुल नहीं चाहिए, आंसर लिखते समय फुल नहीं चाहिए, ठीक है? फुल काट लेना, फुल अपन को नहीं चाहिए, फुल काट लेना, ठीक है? सेकंड वन, सिट डैश ऑन द मैट. प्राणायाम करते समय अपन मैट में कैसे बैठना चाहिए, कामली और नॉइसली, शांत बैठना चाहिए या चिल्ला चिल्ला के बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? अच्छा बच्चा कभी कभी नॉइस ही नहीं होते, हमेशा कामली शांत बैठना चाहिए, है ना? तो द आंसर इज कामली, सिट कामली ऑन द मैट. ओके, द थर्ड वन इज मेनी होम्स ऑफ द रैट्स वेयर डैश अंडर द एलिफेंट्स बिग फीट. एलिफेंट्स आपको पता है, हाथी का फीट अगर एलिफेंट्स के होम के ऊपर आ गया तो क्या हो सकते हैं, वो बचा के रखेंगे या उसका नाश हो जाएंगे. डिस्ट्रॉय मीन्स नाश होना और सेव मीन्स बचाना, तो कौन सा है? मेनी ऑफ द होम्स वेयर डिस्ट्रॉयड, मेनी ऑफ द होम्स वेयर डिस्ट्रॉयड अंडर द एलिफेंट्स बिग फीट. ओके, द फोर्थ वन, ही आस्क्ड सम ऑफ द डैश रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग. वो उनमें से कुछ डैश रैट्स को, चूहों को अपना ग्रुप में आने के लिए बुलाया. नॉर्मली अपना ग्रुप बनाते समय ग्रुप में किसको लेते हैं, बिग को लेते हैं या स्ट्रॉन्ग को, कमजोर को लेते हैं या मजबूत को? आपको सोचना है, बताना फटाफट, किसको लेते हैं? मजबूत रैट्स को लिया है ना, स्ट्रॉन्ग रैट्स. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग. साथ में आने के लिए वो मजबूत राइट्स को बुलाया, चूहों को बुलाया, राइट? फिफ्थ वन, वी डिड नॉट डैश दिस बिट ऑफ पेपर्स. अपन ये पेपर के टुकड़े क्या करना नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए या कलेक्ट करना नहीं चाहिए? अपन कोई भी कचरा पेपर फेंकना
नहीं चाहिए. वी डिड नॉट थ्रो दिस बिट्स ऑफ पेपर. ये पेपर हमने नहीं फेंका है. ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू सिक्स्थ वन. सर सिक्स्थ वन. वी विल मेक आवर क्लास. वी विल मेक आवर क्लास. आगे बोलो, डर्टी या क्लीन. डर्टी मीन्स गंदा करना और क्लीन मीन्स साफ करना. अपना क्लासरूम अपन साफ रखते हैं या गंदा रखते हैं? आप बोलो आंसर. गंदा रखते हैं या साफ रखते हैं? साफ, है ना. तो क्लीन इज द आंसर. वी विल मेक आवर क्लास क्लीन. ओके, नाउ द सेवेंथ वन. लॉर्ड राम गॉट डैश ओवर रावण. रावण, राम, रावण गए ऊपर, विजय हासिल किया. डिफीट मीन हार, विक्टरी मीन्स विजय. तो राम, भगवान राम ने रावण को ऊपर जीत हासिल किया ना. जीत का इंग्लिश क्या है? विक्टरी. लॉर्ड राम गॉट विक्टरी ओवर रावण. ओके, नेक्स्ट वन. दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्टरी ऑफ डैश ओवर इविल. तिन्मा के ऊपर किसका विजय? गुड का विजय, है ना, नया अच्छाई का विजय. दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्टरी ऑफ गुड, गुड ओवर इविल, है ना, इविल्स के ऊपर विजय हासिल किया है, उसका सिंबल है दशहरा. नाइंथ वन. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु डस नॉट डैश टू स्टडी. दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए बॉय. कोई एक बॉय, एक लड़का का स्टोरी है. हु डस नॉट लाइक स्टडी. वो डस नॉट आ गया ना, तो डिसलाइक तो आएगा ही नहीं. डस नॉट लाइक टू स्टडी. पढ़ाई करना पसंद नहीं. आप जैसे नहीं, आप लोग पढ़ाई करना पसंद करते हैं ना, तो आप लोगों का स्टोरी नहीं है. इट इज द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु डस नॉट लाइक टू स्टडी. ओके, टेंथ वन. इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दीज थिंग्स. वार्निंग देने के बावजूद भी लोग कौन सा चीज यूज करते हैं? हार्मफुल, खतरनाक, है ना, हार्मफुल चीज यूज करते हैं. तो फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट. अपना कॉपी में उतारना, बुक्स में भी लिखना. ओके, अब नेक्स्ट आ गया. राइट द ऑपोजिट वर्ड्स. राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. तो आप लोग लिखोगे यार, मेरे को लिख के देना है. आई प्रिफर यू शुड राइट. ओके, इफ यू डोंट नो आई विल राइट, बट यू हैव टू लर्न. यू हैव टू learn, and when Zoom meeting will conduct, you have to answer me all these things. Okay, big, big का opposite क्या है? बोल, उस हिसाब से मैं लिखूं. Small. Big का opposite क्या है? Small. 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 Second क्या है? Many. Many का opposite क्या है? Few. 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 Calmly, शांतली, शांत से, और noisily. अपन पहले ऊपर कई बार देखा है noisily, right? NOISLY, है ना. Destroyed. Destroy means नष्ट करना, और उसका opposite होते हैं built. 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 destroyed का opposite है built, और दूसरा एक और option है saved. SAVED. destroyed को अपन बिल्ट भी लिखते, सेव्ड भी लिखते, वो सिचुएशन के हिसाब से, राइट. नो, इसलिए
कलेक्ट, कलेक्ट का ऑपोजिट क्या है? अभी ऊपर भी अपन देखा था कई बार, एक तो है स्प्रेड, कचरा इधर उधर फेंकते हैं ना तो अपन स्प्रेड होते हैं, या थ्रो, दो वर्ड है THROW, थ्रो, स्प्रेड और थ्रो, और दोनों कलेक्ट का ऑपोजिट है। तो गो का ऑपोजिट सबको मालूम है, गो मीन्स जाना और आने के लिए क्या बोलते हैं, कम, राइट। वीक, वीक का ऑपोजिट क्या है, स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, हार्मफुल हार्मलेस, अपन पढ़ा ना किसी किसी वर्ड में लेस लिखते हार्मलेस, HARMLESS, हार्मलेस, ओके। लाइक डिसलाइक, 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 राइट, राइट का क्या है डिसलाइक। एम्प्टी, अपने ऊपर भी देखा है, एम्प्टी का मतलब फुल, सॉरी एम्प्टी का मतलब खाली, और उसका ऑपोजिट क्या है, फुल, भरा हुआ, है ना, राइट। राइट का दो ऑपोजिट मैंने पहले भी बोला था, लेफ्ट भी हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट का दूसरा ऑपोजिट है रॉन्ग, ओके। लव हेट, लव मीन्स प्यार करना और हेट मीन्स नफरत करना, राइट, लव हेट। ब्यूटीफुल अग्ली, अग्ली, UGLY, अग्ली, ओके। हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर, और सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। काइंड, क्रूएल, CRUEL, क्रूएल। रिच, रिच का तो आपको मालूम ही है, पुअर, है ना, गरीब, रिच मीन्स अमीर और पुअर मीन्स गरीब। स्ट्रॉन्ग, वीक, WEAK, वीक, और ओल्ड न्यू, NEW, न्यू, ओल्ड का न्यू, ठीक है। आगे और भी है, आज अपन को टाइम हो गया, फिर भी ये फिनिश करके निकलेंगे, राइट। जस्ट का है जस्ट, अनजस्ट, UNJUST, अनजस्ट, राइट। डाउन अप, डाउन नीचे अप ऊपर, समथिंग मतलब कुछ है, नथिंग, NOTHING, नथिंग, ओके। होनर डिसऑनर, DISHONOUR, डिसऑनर, राइट। एंड, नेक्स्ट क्या है, एंड, कोई भी चीज एंड करना, खत्म करना, और इसको ऑपोजिट है स्टार्ट, START, स्टार्ट करना और एंड करना, है ना। फ्रेंड, दोस्त का ऑपोजिट क्या है, ENEMY, क्या है, एनिमी, है ना। सून, जल्दी, लेट, देर से, सून का ऑपोजिट क्या है, LAT, लेट। कूल, कूल का अपन को पता ही ऑलरेडी, हॉट, ठीक है। ओपन, ओपन का क्लोज, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना, क्लोज, ओपन माना खुलना, क्लोज मीन्स बंद करना। इसका दूसरा एक और है शट, SHUT, शट, दोनों लर्न करना। ब्लैक का अपन को पता है क्या है, ब्लैक, व्हाइट, White, WHIT, white। Bad, good, ये तो छोटा छोटा बच्चों को भी पता है, bad, good। Give,
take, give, dena or take, lena. Clear? So today's lesson is over, and this lesson, second lesson, is also over. Tomorrow I will give you the first lesson again, because you told that there is sound issues. Okay, so finish all these opposites words and learn it. Okay.